सिंगरौली जिले के सरई तहसील अंतर्गत विस्थापितों की जन सुनवाई में विस्थापितों ने किया विरोध। हम आपको बता दें कि जिले के सरई तहसील अंतर्गत एमएल माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड ईईएमआरएल के लिए आवंटित बंधा कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्राम बंधा तेधुआ पचौर और देवरी तहसील सरई के लिए पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापक स्कीम हेतु लोक जनसुनवाई का आयोजन ग्राम पंचायत बंधा में हुआ। इस जनसुनवाई में जिला प्रशासन की ओर से प्रशासक के रूप में अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, एसडीएम विकास सिंह एवं एसडीओपी राजीव पाठक, सरपंच बंधा देवेंद्र पाठक और सैकड़ों हितग्राहियों की उपस्थिति में परियोजनों से प्रभावित हितग्राहियों और कंपनी प्रबंधन के माध्यम यहां जन सुनवाई विस्थापित हो रहे हितग्राहियों ने सरपंच देवेंद्र पाठक की अगुवाई में इस जन सुनवाई का विरोध किया और जिला प्रशासन से भू अर्जन अधिनियम 2021 के तहत उचित विस्थापन करने का मांग पत्र दिया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से प्रशासक ने उचित मांगों के संबंध में निराकरण करने का आश्वासन दिया है। पत्र रखा हूं, ये हमने आज दिया है, इसमें सभी सरपंचों के हस्ताक्षर, कंपनी प्रतिनिधि ने भी सहमति में हस्ताक्षर किया है। ये मांग पत्र है, वो जो वचन पत्र है जो हम सर ये कंपनी प्रबंधन ने हमको दिया था, ये वचन पत्र हमारे हाथ में है। इसमें उन्होंने लिखा था कि दो यदि बंधा गांव और पांच गांव की जमीन का दर कलेक्टर गाइडलाइन से यदि 20 लाख रुपए एकड़ से कम प्रतिकर बनता है तो जो अंतर की राशि होगी वो कंपनी अलग से पुनर्वास पैकेज में देगी। तो इसी मांग को लेकर हम लोग इसे यहाँ उपस्थित थे कि आप इसको पुनर्वास पैकेज में जोड़िए। कंपनी भी सहमत है और हम भी सहमत हैं। अब जिला प्रशासन इसको जोड़ता है कि नहीं, क्योंकि पुनर्वास पैकेज का अनुमोदन जिला प्रशासन को करना है। जिला प्रशासन कहता है कि बंधा कंपनी ने दे दिया, यदि हम इसको जोड़ देंगे तो अन्य कंपनियों पर भी दबाव पड़ेगा। इस तरह की बात जिला प्रशासन कह के अपना पल्ला छुड़ा रहा है, जबकि जब तक ये हम लोगों का पुनर्वास प्लान में नहीं जुड़ेगा तब तक अंतिम दम तक हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर के इस अपने प्यारी जनता जनार्दन के दम पर अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें न्यायपालिका का ही शरण क्यों न लेना पड़े या विद्रोह करके या अनशन प्रदर्शन करके जेल न जाना पड़े। ठीक, भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी परियोजना भू अर्जन करती है परियोजना के लिए तो उसके पूर्व लोगों के विस्थापन के लिए आर एंड आर पॉलिसी बनाई जाती है, तो उसी के तहत आज बंधा कोल ब्लॉक के जो प्रभावित हैं उनके लिए आर एंड आर पॉलिसी प्रस्तावित की जाएगी। सबसे पहले प्रारूप पॉलिसी जो है प्रकाशित किया गया था, तो उस प्रारूप पॉलिसी के संदर्भ में आम लोगों को जो यहाँ के प्रभावित हैं उनसे जो है सुझाव मांगे गए, तो उनके द्वारा सुझाव दिया गया है कि जो भी रोजगार मतलब दिया जाए वो कंपनी की ओर से दिया जाए, और जो मकान के बदले मकान बनाकर दिया जाता है या मकान जो व्यक्ति नहीं लेना चाहता है तो उसके एवज में जो राशि निर्धारित की गई है 5 लाख, उस राशि को बढ़ाया जाए, या फिर अगर नौकरी नहीं ली जाती है और उसको एकमुश्त जो राशि देने का प्रावधान है उस राशि को बढ़ाई जाए, अथवा जो दुकान है छोटे मोटे या फिर जो पशु बाड़ा है उसके जो राशि जो प्रस्तावित की गई है उस प्रस्तावित राशि से बढ़ाई जाए, ये मतलब सुझाव है। और इन सुझावों को जो परियोजना की समिति है आर एंड आर पॉलिसी की समिति है वहाँ पे रखा जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि एक 72 पॉलिसी बंधा कोल ब्लॉक के लिए बने, ये हमारा प्रयास रहेगा और इनके जो भी सुझाव हैं उन समिति के समक्ष रखा जाएगा। ठीक, सुबह से हैं यहाँ ग्रामीणों ने और मैंने पूरे गांव के पांचों गांव के सरपंचों की ओर से संयुक्त रूप से एक मांग पत्र हमने भाषण किया है। उस मांग पत्र में समस्त बिंदु को उल्लेख किया गया है जो आप लोगों ने सुना है। कंपनी और शासन सिर्फ सुन कर चले गए, उसमें क्या करेंगे उनका कहना है कि पुनर्वास कमेटी की बैठक में निर्णय करेंगे, अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया।
हम लोग इसी जनसुनवाई के विरोध में दो दिन पहले भी कलेक्टर से मिले थे और हम लोगों ने इसका विरोध किया था कि यह जनसुनवाई अधूरी है, बिना पारिवारिक सर्वे किए, बिना अभी हम लोगों को विस्थापन का प्लाट बताए, बिना जनगणना किए हम लोग क्या माने कि हमें क्या मिलेगा। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे प्रशासन हम लोगों को ठग करके चला गया है।